इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के इस वीडियो लेक्चर में आज हम एक इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम से डील करेंगे जिसे कोर्ट्स व्हाइल इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जरूर से ध्यान में रखती हैं। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि आज जिस पर्टिकुलर लीगल मैक्सिम से हम डील कर रहे हैं इस लीगल मैक्सिम का इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में एक वाइटल रोल रहता है और अगर कोर्ट्स को प्रॉब्लम ऑफ एम्बिग्युटी सॉल्व करना है, लेजिस्लेचर के ट्रू इंटेंशन को डिराइव करना है तो इंटरप्रिटेशन के समय इस लीगल मैक्सिम को जरूर से ध्यान में रखा जाना चाहिए बाय द कोर्ट्स। तो क्या है लीगल मैक्सिम जो कि वाइटल पार्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन है? सो दिस लीगल मैक्सिम इज कंस्ट्रक्शन एक्स वी सर्सिबस कंस्ट्रक्शन एक्स वी सर्सिबस एक्टस। इन शॉर्ट हम इसे एक्स वी सर्सिबस एक्टस भी कह सकते हैं, राइट? तो इस लीगल मैक्सिम का लिटरल मीनिंग क्या है? इस लीगल मैक्सिम का लिटरल मीनिंग है स्टैट्यूट मस्ट बी रीड एज होल। स्टैट्यूट मस्ट बी रीड एज होल विच मीन्स इफ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एम्बिग्युटी इन एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन या कोई वर्ड छूट गया है या कोई रॉन्ग वर्ड यूज कर दिया गया है बाय द लेजिस्लेचर बिकॉज ऑफ बैड ड्राफ्टमैनशिप, तो क्योंकि जो प्रॉब्लम ऑफ एम्बिग्युटी है वो किसी एक पर्टिकुलर वर्ड या टेक्स्ट से है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल उन्हीं वर्ड्स उन्हीं टेक्स्ट के नेचुरल मीनिंग को डिराइव करेंगे और आगे जो वर्ड्स जो टेक्स्ट यूज किए गए हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में उन्हें हम इग्नोर कर देंगे। तो द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मैक्सिम इज स्टैट्यूट मस्ट बी रीड एज होल, यानी हमें पूरा स्टैट्यूटरी प्रोविजन पढ़ना है और उसके बेसिस पर हमें इन वर्ड्स इन टेक्स्ट के नेचुरल मीनिंग को डिराइव करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो इंटरप्रिटेशन है उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएगा, नो फ्रूटफुल रिजल्ट। बट द टर्म विसर्सिबस एक्टस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एंड लिटरली ट्रांसलेट्स टू फ्रॉम द वेरी बोवेल्स ऑफ द एक्ट। तो ये जो विसर्सिबस एक्टस वर्ड है ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है और इसका लिटरल मीनिंग क्या है? फ्रॉम द वेरी बॉबल्स ऑफ एक्ट। बॉबल्स मीन्स इंटरनल पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स, राइट? जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, राइट, इसमें जितना इंपॉर्टेंस आउटर पार्ट्स का है यानी हमारे स्किन हमारे आईज ईयर उतना ही इंपॉर्टेंस इंटरनल पार्ट्स का भी है, राइट? तो यानी इस मैगजीन का मतलब है कि हमें एक्ट के सभी वर्ड्स
सभी टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए इंटरप्रिटेशन करना है और हमें पूरे एक्ट को पढ़ना है. वी मस्ट रीड द स्टैट्यूटरी प्रोविजन एज होल. बॉवेल हियर मींस इंटरनल पार्ट्स व्हिच मींस टेक्स्ट वर्ड्स, क्योंकि इन्हीं टेक्स्ट इन्हीं वर्ड से मिलकर के एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन बनाया जाएगा. और अगर किसी वर्ड किसी टेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम ऑफ एम्बिग्यूटी आती है तो उसके आगे क्या लिखा गया है और उसके पीछे क्या लिखा गया है, हम सभी लाइन को पढ़ेंगे. हम किसी टेक्स्ट या किसी वर्ड को इग्नोर नहीं करेंगे. इन ऑर्डर टू डिराइव द ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर वी मस्ट हैव टू रीड द स्टैट्यूट एज होल. ठीक है, यही है इस पर्टिकुलर मैगजीन का मतलब. दिस प्रिंसिपल stresses that every word or section of statute should be understood in context of entire document. तो ये जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि प्रत्येक वर्ड प्रत्येक सेक्शन को हमें कंप्लीट स्टैट्यूटरी प्रोविजन के कॉन्टेक्स्ट में रीड करना है. The principle of statutory interpretation expounds that the intention of legislature must be found by reading the statute as whole. और अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमें लेजिस्लेचर का ट्रू इंटेंशन पता चल पाएगा. राइट, आगे कहता है कि फॉरेस्ट व्यू अप्रोच हैज टू बी अडॉप्टेड रादर देन अ ट्री अप्रोच. तो यहां पर हमें इंटरप्रिटेशन करते समय फॉरेस्ट व्यू अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए ना कि ट्री व्यू अप्रोच. राइट, व्हिच मींस कि हमें पूरे स्टैट्यूट को पढ़ना है ना कि स्टैट्यूट के किसी एक वर्ड या किसी एक टेक्स्ट को. अगर हम केवल किसी एक वर्ड या किसी एक टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हम अपनाएंगे ट्री व्यू अप्रोच जो कि राइट वे ऑफ इंटरप्रिटेशन नहीं है और इसके तहत हम लेजिस्लेचर के ट्रू इंटेंशन को डिराइव नहीं कर सकते हैं. वी मस्ट अडॉप्ट फॉरेस्ट व्यू अप्रोच, यानी वी मस्ट कंसिडर ईच एंड एवरी वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. राइट, अब एक हमारे पास केस है विच इज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. State of West Bengal versus Union of India. Sinha CJ stated that the court must ascertain the intention of legislature by directing its attention not merely to the clauses to be construed but to entire statute. तो इस केस में सिन्हा CJ ने कहा कि courts को अगर लेजिस्लेचर के ट्रू इंटेंशन को फाइंड आउट करना है जो कि उनका प्राइमरी फंक्शन है तो उन्हें केवल क्लॉजेस पर अटेंशन नहीं देना है बल्कि एंटायर स्टैट्यूट को कंसीडर करना है और उसी के बेसिस पर इंटरप्रिटेशन करना है. इट मस्ट कंपेयर द क्लॉज विथ अदर पार्ट्स ऑफ द लॉ. तो हमें प्रत्येक क्लॉज को अदर पार्ट्स ऑफ लॉ से कंपेयर करते हुए चलना है. एंड द सेटिंग इन विच द क्लॉज टू बी इंटरप्रेटेड अकर्स, और हमें उस तरीके को भी ध्यान देना है जिसके तहत हम उस क्लॉज के किस मीनिंग को डिराइव कर सकते हैं कंसर्निंग द अदर पार्ट्स ऑफ द स्टैट्यूट. इसे भी हमें ध्यान में रखना है. तो यानी केवल हमें क्लॉज के मीनिंग को नहीं फाइंड आउट करना है बल्कि उसके मीनिंग को हमें एंटायर स्टैट्यूट को पढ़ने के बाद ही उसके मीनिंग को समझना है. अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ग्रीन एमआर, ये क्या कहते हैं, तो लॉर्ड ग्रीन एमआर कहते हैं टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ अ क्लॉज इन अ स्टैट्यूट, किसी स्टैट्यूट में यूज क्लॉज के मीनिंग को असर्टेन करने के लिए द कोर्ट्स मस्ट लुक एट होल स्टैट्यूट. कोर्ट को पूरे स्टैट्यूट को देखना होता है, पूरे स्टैट्यूटरी प्रोविजन को देखना होता है.
एट व्हाट प्रीसीड्स एंड एट व्हाट सक्सीड्स, यानी उस पर्टिकुलर क्लॉज के पहले क्या वर्ड्स है, उस पर्टिकुलर क्लॉज के बाद क्या वर्ड्स है, या क्या वर्ड्स हो सकते हैं। एंड नॉट मेयरली एट द क्लॉज इटसेल्फ, केवल उस क्लॉज पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि उसके उस क्लॉज के पहले क्या वर्ड्स है और उस क्लॉज के आगे क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं। एंड द मेथड ऑफ कंस्ट्रूइंग स्टैट्यूट्स दैट, और ये कहते हैं कि मैं कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट करता उन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के नेचुरल मीनिंग को। इन्होंने कहा आई प्रिफर इज टू रीड द स्टैट्यूट एज अ होल, मैं सबसे पहले क्या करता कि उस स्टैट्यूट को पूरा पढ़ता। एंड आस्क वन क्वेश्चन टू माई सेल्फ, और अपने आप से मैं एक क्वेश्चन पूछता, इन दिस स्टेट, इस स्टेट में, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में, रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट मैटर, इस सब्जेक्ट मैटर के रिलेशन में, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, उस वर्ड का ट्रू मीनिंग क्या हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ग्रीन एमआर, ये कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन करते समय मैं केवल उस क्लॉज पर ही अपने आप को फोकस नहीं रखूंगा, बल्कि उसके पहले क्या है, उसके बाद क्या है, इसे भी मैं ध्यान में रखूंगा। और मैं अपने आप से ये क्वेश्चन पूछूंगा कि इस स्टेट में, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सब्जेक्ट मैटर के रिलेशन में उस वर्ड का ट्रू मीनिंग क्या हो सकता है। राइट, एक और केस है हमारे पास, विच इज इन स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस हीरालाल केजरीवाल, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस हीरालाल केजरीवाल, इन स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस हीरालाल केजरीवाल, इट वॉज हेल्ड दैट टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ अ सेक्शन, किसी पर्टिकुलर सेक्शन के मीनिंग को निर्धारित करने के लिए, असर्टेन करने के लिए, इट इज नॉट परमिसिबल टू ओमिट एनी पार्ट ऑफ इट, हमें उस पर्टिकुलर सेक्शन के किसी एक पार्ट को हम ओमिट कर दें, छोड़ दें या इग्नोर कर दें तो ये परमिसिबल नहीं। द होल सेक्शन शुड बी रीड टूगेदर, हमें पूरे सेक्शन को एक साथ पढ़ना है और हमें ये अटेम्प्ट करना है कि हम उन सभी पार्ट्स को एक साथ कॉन्सिडर करते हुए एक साथ इंटरप्रिटेशन करें, किसी एक पार्ट को हम इग्नोर ना कर दें। राइट, तो यानी अब तक हमने जो केस लॉज पढ़ा वो केवल इसी पर्टिकुलर लीगल मैगजीन के ऊपर है, और ये मैगजीन कहता है स्टैट्यूट मस्ट बी रीड एज होल एंड दिस इज द राइट वे ऑफ इंटरप्रिटेशन। जेनिंग्स वर्सेस केली एक और केस है, इट वॉज हेल्ड दैट द प्रिंसिपल दैट स्टैट्यूट मस्ट बी रीड एज होल इज इक्वली एप्लीकेबल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम सेक्शन, दिस सेक्शन must be construed as a whole whether or not one of the part is semi clause or proviso. So simple, ek statute mein koi semi clause hai, koi proviso hai, koi subsection hai, to hum un sabhi parts ko ek sath read karenge, hum kisi part ko ignore nahi kar sakte, theek hai। To ye tha legal maxim which is construction acts which shall be actus, the literal meaning of this particular legal maxim is statute must be read as whole, or इस legal maxim के तहत हमें forest view approach अपनाना चाहिए, ना कि tree view approach अपनाना चाहिए। State of Bihar versus हीरालाल केजरीवाल एक ये case है, State of West Bengal versus Union of India एक ये case है। Lord Green MR ने क्या कहा उसे हमने समझा, और Jennings versus Kelly, तो ये तीन चार केस लॉज थे जिसे हमने डिटेल में समझा और इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने खत्म कर दिया। आई होप कि अगर आप लेक्चर को यहां तक देख रहे हो तो ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब हम डील करेंगे वेरियस रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम दो प्रिंसिपल से डील करेंगे,
प्राइमरी प्रिंसिपल्स, सेकेंडरी प्रिंसिपल्स। प्राइमरी प्रिंसिपल्स में लिटरल रूल, गोल्डन रूल, मिस्चीफ रूल, एजिस्टम जेनरिस, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, इन पांच रूल्स को पढ़ेंगे। और सेकेंडरी रूल में हम पढ़ेंगे नॉसिटल असोसिस, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन, कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोसियो, एक्सप्रेसियो यूनिस, ईस्ट एक्सक्लूजन, अल्टेरियस, इन चार रूल्स को पढ़ेंगे। तो यानी प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिंसिपल्स को मिलाकर के हमें कुल 9 रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ना है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पर्टिकुलर टॉपिक से डील करेंगे, विच इज रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज शो योर सपोर्ट, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो।